एक ट्वीट से वादा किया था कि आज के शो में मैं हमारा जो 10 बैगर हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है वो आज मैं सबके साथ शेयर करूंगा। फिर ये चार्ट सामने स्क्रीन पे दिख पा रही है, जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची की चार्ट है। यहाँ पर आज जो सिद्धांतों की हम बात कर रहे थे ना कि अपने अहंकार से परे चलो, हमें अंत में अपनी बुद्धि के भी ऊपर उठना पड़ेगा और जो बाजार कर रहा है उसको सुनना पड़ेगा, इसीलिए मैं चार्ट देखता हूँ। जॉनसन कंट्रोल्स की ये चार्ट 2009 में सिर्फ 30 रुपए तक की थी, 1 साल के अंदर 432 हो गई, ये वापस गिरी जब 86 रुपए की थी, 3,500 रुपए तक चली गई। 35 बैगर से ज्यादा 50 बैगर हो चुका ऑलरेडी। अब यहां से हमारा एक बड़ा हम्बल कॉल है, लुकिंग एट दिस हिस्ट्री, ये 10 बैगर हो जाएगा, होने को 15 भी हो सकता है। अगर मैं आपको इस चार्ट का थोड़ा सा पॉइंट दिखाऊं, करीब से डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आ चुका है, टर्मिनल ट्राइंगल मूवमेंट है। और बुद्धि के परे चलने की क्यों जरूरत है, जो नए सीईओ आए उनका पुराना आप इतिहास देखो, और जो अपनी अपनी थोपते रहते हैं कि भैया ये तो व्हाइट गुड्स के सेक्टर में कहाँ कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स बार बार 5 बैगर 10 बैगर साइक्लिकल मूव्स देते हैं। हम मेरे हिसाब से जॉनसन कंट्रोल की वो साइक्लिकल मूव अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो अनुज आज एक ही स्टॉक पे मैं फोकस करूंगा, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स 10 बैगर नहीं, उनको मैं आपसे रेगुलर शो में डिस्कस कर लूंगा। 10 बैगर का जायका अलग ही होता है।